On behalf of Institute of Freelancing, I welcome you all. My name is Hamid Asir, and thank you very much for joining me today's session. Yesterday, we were discussing about the illustrations and how to create the illustration using Adobe Illustrator. And the next and very important subsequent usi ke context se, the next lecture is related to ke ab aapne iska patterns aapne Photoshop mein banane seekh liye, lekin how to come up with the cloths itself. क्लॉथ्स के बेसिक डिजाइंस आपने कैसे बनाने हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स सारा कुछ स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेटर होता है. इफ यू फील कंफर्टेबल इन इलस्ट्रेटर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इलस्ट्रेटर. इफ यू फील कंफर्टेबल इन द फोटोशॉप दिस हैज टू स्टार्ट इन फोटोशॉप. सो मैंने ये दोनों इसीलिए प्लान किए हुए थे कि इसके अलावा तीन चार बेसिक सॉफ्टवेयर्स और भी हैं, कुछ मोबाइल की एप्लीकेशंस भी हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ आपको डिटेल बता दूंगा. बट आई जस्ट नॉट वांट कि आप स्ट्रेट अवे यू गो इनटू द सिंपल वंस, और आप बेसिक्स जिससे सारे के सारे हम लोग प्रोसेस से गुजरते हैं, लाइक डिजाइन प्रोसेस से, आप वो बेसिक काम छोड़ दें. दैट्स व्हाट नॉट द एम इज. सो आई वॉन्ट कि आप लोग फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की इतनी प्रैक्टिस जरूर करें दैट यू शुड बिकम प्रोफिशिएंट and at your own. अगर आपको किसी जगह काम करना पड़ जाए तो you should feel very comfortable के okay, in the illustrator I know how to do it and in the photoshop I know how to do it. So pattern making in the illustrator is another a very exciting and a good job. दो इंशाल्लाह आने वाले probably दो या तीन lectures में हम वो भी करेंगे. But today is the aim के let's suppose if you want to come up with any बेसिक डिजाइन ऑफ द क्लॉथ जहां से जाके हम डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे पहले बेसिक लेआउट शर्ट का, ठीक है, उसके बाद पैटर्न्स अप्लाई होना, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इसकी बेसिक शेप बनती है समवर्ट समथिंग लाइक दिस. मैंने ये बेसिकली दोनों डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ इसी लिए आपके सामने सामने इसलिए रखे सो दैट के आप लोगों के लिए कंपेरेटिवली बिल्कुल ईजी हो जाए दैट हाउ Can we give it a start? So, आज का हमारा टॉपिक है how to create the cloths in Illustrator. So, let's start with the very basic thing first, and उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता we will go inshallah, we will jump in the details के clothing की details में हम कैसे कैसे बाकी चीजें add करते हैं. So, जिस तरह मैंने last time आपको बताया था कि सबसे पहले क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यस्टरडे भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था. एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपको नहीं आइडिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द साइज ऑफ फीमेल शर्ट एंड द ट्राउजर्स एंड इनका साइजेस क्या होते हैं. अगर आपको नहीं आइडिया तो यू कैन गो टू द गूगल एंड गूगल से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं. लेकिन इनकेस अगर आपको इसके अलावा कहीं से देखना है तो यू कैन फाइंड आउट किसी भी ब्रांड का आप उठाएं रेप्लिका या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लेट्स सपोज किसी भी ब्रांड का, उसके ऊपर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लिखी होती है दैट हाउ इज द व्हाट एग्जैक्टली इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द शर्ट एंड द दुपट्टा साइज एंड द स्लीव साइज एंड द ट्राउजर साइज. सो ये सारी की सारी डिटेल्स उस पर लिखी होती हैं. सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, वहां से आप एग्जैक्टली लेंथ either in the inches, either in the millimeters, centimeters, या in the feet, जिस भी साइज के ऊपर वो है आप सिंपल जाए इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में एंड क्रिएट दैट ऑलमोस्ट उससे थोड़ा थोड़ा साइज का, बड़े साइज का आप उससे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें. एंड देन उसके अंदर लेट स्टार्ट द क्रिएटिव टूल, जो कि कैसे स्टार्ट करना है वो हम लेट सपोज आज हम स्टार्ट करें, ठीक है. And by the way, if I am not wrong, I told you almost the shirt size, which is about 39 length ka by default. Jo manufacturing units hai, wo aapko kata hua piece dete hain, and the width is 49. Iski width hoti hai 49 inches. And the dupatte ka bhi 39 by 96 width hoti hai, and the sleeve size depend upon ke jo standard size hai, which is about I think 20. 20 से 23 के साइज का या 26 से 23 के साइज का ये आपको बाय डिफॉल्ट. लेकिन दैट्स इवन नॉट अ प्रॉब्लम, आप जाएं कहीं से जाके भी कोई ब्रांड का आप चीज लेंगे तो उसके ऊपर ये सारी की सारी विड्थ लिखी हुई होती है, वहां से जाके यू कैन फाइंड. अच्छा जी चलें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द क्लॉथ इटसेल्फ इन इलस्ट्रेटर. ओके, एंड वो क्या टूल है जिसकी मदद से आप लोग क्रिएट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये है आपका इलस्ट्रेटर की स्क्रीन,
लेट मी गो दिस फर्स्ट एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको कर देता हूँ डिलीट साथ, ताकि नो कंफ्यूजन एट ऑल. ठीक है, दिस इज समथिंग इन अ वेरी सिंपल नेटशेल, हम बिल्कुल बेसिक लेवल का, इसमें हम किसी किस्म की अभी आज डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे. आने वाले मोस्ट प्रोबेबली इन कपल ऑफ लेक्चर्स वी विल बी गिविंग द डिटेल्स के इसमें फर्दर स्लीव्स के एंड उसमें कौन कौन से डिजाइन आप बना सकते हैं. अगर आपने बेसिक बना लिया तो यू गॉट टू बिलीव मी ऑन दिस के आपके लिए कंपैरेटिवली द नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी वे टू इजी, बहुत ही सिंपलर हो जाएंगे. सो वी स्टार्ट विद द पेन टूल. लेकिन पेन टूल स्टार्ट करने से पहले एज आई टोल्ड एवरी स्टूडेंट के ये प्रोसेस स्टार्ट होता है लेयर से. So you first have to go to the layers, and it is recommended. Photoshop it is mandatory, not compulsory in compulsory hai. Lekin Photoshop mein compulsory hai. Lekin any vector based software like Illustrator, Corel, ya kisi aur vector based software mein it is not compulsory, not mandatory. Lekin it's good to have a practice like this. ठीक है. And the practice is ke let's suppose this is your document, isko aap move karna chahe to that is the problem. While doing any other thing, ye darmiyan se move ho gaya to aapka let's suppose yahan se shuru hua aur galti se ye move ho gaya to wo wahin pe aapka path rahega aur ye cheez move ho jayegi. And then uske baad it would become very difficult ke aap dobara isko thoda thoda karke usko match karte. So the best way is ke either you lock it, uske baad ye selection nahi ho sakegi, or what you can do is ke lock karne ke baad let's create a new layer. How to make this picture which you have? Okay, Amna ne question kiya hai ke okay, let me start a new document for another for new. Maine for the time being 6 inches by 4 inches ka vector mein it is really doesn't matter ke aap kitne chote size ka ya kitne bade size ka aap image open kar rahe hain, because ye blur nahi hota. ठीक है, एट सर्टेन मोमेंट सर्टेन लेवल ये जाके आपको फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ता है. लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 6 inches आप यहां से जाके 60 inches by 40 inches भी कर सकते हैं. दैट्स इवन नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज वेरी मच योर चॉइस. ठीक है जी, एंड जाके ओपन करें, हियर इट इज द न्यू डॉक्यूमेंट. ठीक है, इसमें अब आपने जो आपका पैटर्न या जो आपका इनिशियल डिजाइन है वो प्लेस करना है. वो कैसे प्लेस करना है, लेट सपोज ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा. एंड बाय द वे मेरे पास काफ़ी लाइब्रेरी में चीज़ें पड़ी हुई हैं. इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों के साथ ये लाइब्रेरीज भी शेयर कर दूँ. सो दैट इज द डॉक्यूमेंट विच आई वाज सॉरी हियर इट इज. ठीक है जी, इसको अब आप करेंगे बड़ा एंड यहाँ सॉरी पीस गलत मैंने कर दिया. So that's the document. ठीक है, इस तरह आपने प्लेस कर लेनी है अपनी पिक्चर यहाँ पे. एंड उसके बाद अगला वही प्रोसेस. आमना इज इट ओके? यस एब्सोल्युटली, ये हमने प्रैक्टिस के लिए, वी विल मेक इट हेयर. देखो रेफरेंस के लिए अगर मैं कहूँ कि चलें जी बनाना करें शर्ट बनाना शुरू करें, तो दिस वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. लेट सपोज मैं यहाँ से एक शर्ट का बेसिक डिजाइन बनाना शुरू करूँ, to give you an idea, आपको नहीं आइडिया होगा, it would be very difficult for you कि आप first go में इसको pop up कर सके, like, ठीक है? So let me give you an option के let's suppose something like this, ठीक है? It is very difficult कि आप straight one go में आप सारा कुछ understand कर सकें. So मैं आपके लिए आसान तरीका कर रहा था कि आपके लिए एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट पहले प्रोवाइड कर दूँ. वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको वो वाली चीज प्रोवाइड कर देगा कि इसको सामने रखते हुए नाउ यू कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट. लेट सपोज दिस इज समथिंग. अब इससे आपको क्या समझ आई, ये क्या चीज है? ठीक है, सो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह ही होगा. यहां से जाके हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे एंड लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस ऑन द अदर साइड. और इस तरह करते करते आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया. लेकिन बीइंग द एक्सपर्ट्स, जब आप एक शर्ट को मोर देन 100 times बना चुके होंगे, देन आपको इस रेफरेंस इमेज की बिल्कुल जरूरत नहीं. करेक्ट, लेकिन टूडे एट अ स्टार्ट लेवल यू मस्ट एंड मस्ट रिक्वायर्ड, यस इट नीड एक्सपर्टीज ऑफकोर्स. ये इस तरह अगर मैं शुरू कर दूंगा तो बाय द वे आई एम नॉट एट ऑल स्टिचिंग मास्टर नहीं हूँ कि स्टिचिंग मास्टर को एग्जैक्ट आइडिया होता है कि उसका कटर किस साइड पे चल रहा है
या मेरे पास कोई ऐसा मशीन नहीं है कि जहाँ पे मैं उसको एग्जैक्ट डिग्री का एक एंगल दूंगा तो मशीन एब्सोल्यूट 100% एग्जैक्टली उसी एंगल पे आके काटेगी और वो चीज़ उसके बाद सीइंग मशीन पे चली जाएगी, ठीक है। सो मैं आपके लिए बिल्कुल वो तरीका करूंगा जो बहुत ज्यादा आसान है, जो इससे कंपैरेटिवली इजी हो नहीं सकता, सबसे पहले वो तरीका करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स ब्रिंग इट बैक हियर एंड हम इसके ऊपर बेसिक वर्क स्टार्ट करेंगे। वो बेसिक वर्क क्या है कि इसको करें लॉक, इसके ऊपर आप आज से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से ये होगा कि आपका आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ के ऊपर ये चीज बेसिक चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट विद द पेन टूल, स्टार्ट विद द पेन टूल, जस्ट प्रेस पी एंड या ये पेन टूल है टूल्स बार में, यहां से जाके इसको क्लिक करें एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ज्यादा रिकमेंडेड वे ये है कि देखें, गौर से देखना, इसमें पेन पाथ की दोबारा से फोटोशॉप की तरह लेयर्स नहीं होती, ये लेयर्स में ही हर इंडिविजुअल पाथ अलग अलग सेव हो रहा है, इसलिए नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दिस। लेकिन फोटोशॉप और इसके जो डिफरेंस है वो भी जरूर दिल में रखना, ये ना हो कि इसकी कमांड्स को आप फोटोशॉप समझे करते रहे और फोटोशॉप की कमांड्स को इलस्ट्रेटर की कमांड समझे करते रहे, नो। एंड डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, आपके थोड़े थोड़े टाइम के एक्सपीरियंस के बाद आपको एक्जैक्टली समझ आना शुरू हो जाएगी, ओके आई एम वर्किंग इन इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर मुझे ये करना, ठीक है जी। सो सिलेक्टेड इज लेयर नंबर टू एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक क्लिक करें या क्लिक करने से पहले जूम इन कर जाएं सो दैट के क्लैरिटी शुड ये 100% आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। जूम कैसे करेंगे, आर्ट की को प्रेस करें और माउस के ऊपर स्क्रोलर को अप एंड डाउन करने से, दिस इज अप साइड, दिस इज डाउन साइड, ठीक है। मूव स्क्रोलर को अप, स्क्रोलर को डाउन। अगर स्क्रोलर स्क्रोल माउस के ऊपर नहीं है तो आप जस्ट इसको क्लिक करें और उसके बाद स्क्रोलर को अप वाली साइड पे लेके जाए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको वो ऑप्शन दे देगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट्स द सेंटर पॉइंट। यहां से हम जाएंगे इस पॉइंट तक, जल्दी से ये कर्व क्रिएट करेंगे। दिस इज समथिंग व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने सिवाय माउस के कोई और की प्रेस नहीं की, राइट। जैसे ही ये एंगल अचीव हुआ, लाइक स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट से दूसरा वाला एंकर पॉइंट, मैंने इस एंगल को ब्रेक करने के लिए प्रेस दी आर्ट की, और इसके बाद क्योंकि दिस स्ट्रेट ये हमारा एंगल नहीं जाएगा, दैट हैज टू कम टुवर्ड्स दिस साइड, सो इसको मैं स्ट्रेट अवे पहले तो यहाँ पे ले आया, देन उसके बाद ये चीज। अब कल मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा था कि ये अंदर फिल होना कलर शुरू हो गया, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप इस पे जाएं, इस पे जाके सिंपल ये क्लिक कर दें, दैट नो फिल, नथिंग, देयर इज नो फिल, नथिंग लाइक दिस इन दिस राइट नाउ, ठीक है। ये आ जाएगा, मीन्स नो फिल, मीन्स ग्रेडियंट फिल, मीन्स फुल कलर फिल, ठीक है। सो चले जी, अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, नेक्स्ट पॉइंट दिस करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ से ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ हो रहा है, सो हमने यहाँ से फिर इसको ऊपर किया और उसके बाद अगला पॉइंट ये वाला, ये देखिए ये वाला एंगल क्रिएट करने के बाद लेट्स अगेन ऊपर की तरफ और यहाँ से इस पॉइंट तक थोड़ा सा हल्का सा टर्न देने के बाद आई एम नॉट गोइंग टू दिस स्लीव डिटेल्स, मैं स्ट्रेट यहाँ से आऊंगा इसके ऊपर। वी आर इंटरेस्टेड कि हम पहले बेसिक शेप सारी की सारी बनाएं, उसके बाद ये फर्दर मॉडिफिकेशंस हम बड़े इजीली हम लोग करते जाएंगे, ठीक है जी। सो यहाँ से स्ट्रेट इधर और ये थोड़ी सी डिटेल्स अभी मैं जाके फर्दर और इसको रिफाइन करना चाहूँ तो कर लूंगा, लेकिन चॉइस इज योर्स, ठीक है जी। यहाँ से स्ट्रेट जाए इस कॉर्नर के ऊपर, दैट हैज टू बी स्ट्रेट। अच्छा, ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं लाना हमने, हमने कोशिश करनी है थोड़ा सा इससे सेपरेट यू करके थोड़ा सा कर्व, ठीक है। यहाँ पे वो कैसे होगा, हल्का सा इसको यू कर्व करेंगे तो इससे सेपरेट हो जाएगा। शिफ्ट आर्ट की के साथ इस एंगल को ब्रेक करेंगे एंड उसके बाद ये स्ट्रेटन करने के बाद अगला एंगल स्ट्रेट ये वाला और हल्का सा इसे अंदर की तरफ बल्ज एंड देन वी कम टू दिस पॉइंट, राइट। इसके बाद करेंगे आर्ट से इसको ब्रेक, जल्दी जल्दी में, अब कोई डिटेल की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल स्ट्रेट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने आना था हाफ, हमने प्रैक्टिस करनी थी हाफ पे। सो लेट्स गो बैक स्पेस, बैक स्पेस से एक एंकर पॉइंट खत्म, दोबारा यहाँ पे क्लिक किया एंड लेट्स कम टू द सेंटर पॉइंट, दैट इज द सेंटर पॉइंट। जैसे ही आप इसके करीब आएंगे ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, सो दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। सो आप आए इसके ऊपर और यहाँ पे आके करें क्लिक और इस एंगल को पहले करें क्रैक। Is this okay? I think that's okay now.
आर्ट की के साथ इसको करेंगे स्ट्रेट ऊपर 100%, 100% कैसे ऊपर करना है, जस्ट प्रेस द शिफ्ट की तो ये ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री के ऊपर स्ट्रेटनेस कर देगा। यहां से ऊपर जाएं स्ट्रेट एंड जाके कनेक्ट कर दें इसको, ठीक है। सो लेट्स सी, अब ये आई थिंक दैट इज एब्सोल्यूट 100% करेक्ट। ओके, सो दैट मींस हाफ ऑफ द शर्ट आपका बेसिक पैटर्न हैज बीन कंप्लीटेड। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गो टू द लेयर्स, लेट्स ऑफ दिस लेयर फॉर द टाइम एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। ओके, अब आप बेशक इसको साइड पे क्लिक करें, आर्ट की के साथ थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करें, दो दैट मींस के ये आपकी बेसिक शर्ट का डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अब आप इसकी फर्दर रिफाइनमेंट करना चाहते हैं बिफोर वी प्रोसीड के अदर साइड इसको कॉपी करें, बिकॉज आप चाहते हैं एग्जैक्ट उसकी कॉपी बने, सो हम वो करने से पहले इसमें चेंजेस सारी की सारी कंप्लीट कर लें। यहाँ पे चेंजेस मुझे नजर आ रही है कुछ, थोड़ा सा ये बल्ज ठीक नहीं है, इसको वी नीड टू ब्रिंग इट लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स द डाउन साइड। सो हाउ कैन वी डू दिस, वेरी इजीली, दैट्स द पॉइंट। द सेकंड वन इज द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इंस्टेड ऑफ पिकिंग एनी एंगल, किस भी आपने काम करना है आप उसको पिक करें एंड इट विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंगल। सो इसको उठा के थोड़ा सा ले आए नीचे, थोड़ा सा almost to this level and in your say isko kare thoda sa zoom and rather ye jo andar wali side hai na isko thoda sa bahar ki taraf kar dein, ye thoda sa aapko different kind of feel dena shuru ho jayega। So what do you think, is it okay? Agar aap samajhte hain ki it's okay to all right, otherwise you can go and right click on this and there are so many options, lekin abhi main uske upar nahi jata, abhi baad mein bataunga aapko ki let's suppose agar in anchor points ko delete koi bada masla nahi hai, delete bade easily sari ki sari cheeze pen tool se aap ja ke isme jaye and here it is the minus tool, aap while picking up the pen tool ye aapne pick kiya hua hai isi mein minus press kar dein while selecting this to ye minus key ke sath automatically ye minus se delete bhi ho jayega। लेकिन चॉइस इज योर्स, आई मीन अभी हम उस तरफ इसकी डिटेल्स पे नहीं जा रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट के इसकी लेआउट, इसके डिजाइन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा स्लीप को अप थोड़ा सा, आई थिंक इट इज मोर अ बिट टुवर्ड्स अ गुड डिजाइन नाउ, ठीक है जी। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दें, और ये है वो एंगल जो थोड़ा सा हमें गड़बड़ कर रहा था, उस टाइम मैंने कहा था कि हम इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। सो इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देते हैं, सो दैट कि ये वाला बल्ज ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाए। एंड बाय द वे इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको बिल्कुल एच टू एच, या थोड़ा लाजमी है कि डिफरेंस रखी रखें, चॉइस इज योर्स, दैट इज जस्ट टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर इंडिपेंडेंट डिफरेंटली, ठीक है जी। अब नाउ यू फाइंड आउट के दैट्स ऑल राइट, मेरे हिसाब में दिस वन इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन इसका थोड़ा सा कलर डार्किंग कर देते हैं। सो वो कैसे करना है आपने, एक तो यहाँ से आके कलर इसका ब्लैक, दैट्स द लाइन कलर, ठीक है, दैट्स द पाथ जो आपने, ये पाथ आपका बना हुआ है, इसके अंदर कोई फिल कलर नहीं। एंड बाय द वे इफ यू वांट सो यू कैन वेरी इजीली फिल द कलर, एनी ऑफ द कलर, ठीक है। एट द सेम टाइम राइट नाउ वी आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग के जी हम इस तरह की किसी चीज पे जाएं, दिस इज फ्यूचर क्लासेस, अभी हम फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी कलर्स या एनी डिटेल्स या कोई पैटर्न, जो भी हम बनाएंगे तो तब इसकी तरफ आएंगे, ठीक है जी। सो अब आपने इस सारे को किया पिक करने के बाद इन द टूल बॉक्स देयर इज अ टूल दैट्स द रोटेशन, रोटेशन पे क्लिक करें, ये साथ देखें नीचे एरो है इसका, ये नीचे इस पे क्लिक करें, इट विल गिव यू द रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, इसको आप करते हैं easily reflect, reflect means के double click करें इसके ऊपर and vertically इसको आपने rotate reflect देना है and create a preview and make a copy of this, right? अब जब copy बन गई तो mouse से इसको करें rotate या इस किसी भी line के पास से आके इसको पकड़ें और shift key के साथ bring it somewhere here. So that is something which you have to do. Sorry for disturbance in between. Actually, so that is something which you have to pick up.
जैसे ही ये दोनों आपस में क्लोजर आए, आई थिंक आप इसके बाहर क्लिक करें और बेशक इसमें आप कलर करके थोड़ा सा एक आइडिया लगा के अप्रोक्सीमेटली देख लें कि इज दिस ओके, इज दिस ओके। आई थिंक ये कॉर्नर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ये कॉर्नर ज़्यादा शार्प कॉर्नर हो गया, इंस्टेड ऑफ दिस इट शुड बी अ काइंड ऑफ कर्व। लेकिन तरीका देयर इज नो प्रॉब्लम, इसको करें डिलीट, वापस जाएं इसके ऊपर पिक करें, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके करें इसको पिक, एंड इंस्टेड ऑफ ये चीज इसका एंगल किधर बन रहा है, ये है इसका, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको एंगल दे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या इसके अलावा इसके ऊपर वाले साइड को थोड़ा सा करें नीचे की तरफ, एंड लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ठीक हो गया। लेकिन अगर आप फर्दर इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट करें, अंदर की तरफ लाएं, एंड देन उसके बाद इसको अब आप बेशक थोड़ा सा इसका बल्ज को ज्यादा करें, लाइक समथिंग लाइक दिस। आई थिंक नाउ इट्स वेरी मच ओके, ठीक है। अब जब हम इसको हम कॉपी करेंगे so it will not give us any sort of odd feeling. Moreover, ये कि आप इसमें ये जो हमने fill किया हुआ है इस one के बजाय अगर let's suppose आप 5 कर दें तो it will give you more crystal clear picture that what exactly is happening, right? So इसको pick किया आपने, pick करने के बाद let's reflect this, let's go here. Reflect करने से directly reflect नहीं होगा, you have to double click on this. Right, double click on this and make a copy of this. Right, so isko karenge move karne ke liye you have to pick it one side, so wala side pick kar li maine, and isko bilkul connect karna hai iske sath, theek hai. So dono ko kare select and bring it somewhere in the center, kyunki humne galat side ko move kar diya tha, but there is no problem. Ab aap isko pick kare center. Now what you have to do is just hold on a second. ओके जी, आई एम बैक। अब आपने बेसिकली क्या करना है, एक तो बड़ा इजी काम है कि लेट्स सपोज इसके इंटरनल ये दो चीजें अगर आपने करनी है, डिलीट इन के और इनको आपस में करना है मर्ज, सो आप इन दोनों को करें सेलेक्ट एंड गो टू द पाथ फाइंडर टूल। लेकिन देर आर सो मैनी अदर ऑप्शन जिनको मैं फॉर द टाइम बिंग अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन देर इज नो वरीज, ठीक है ना। ये हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये पाथ फाइंडर की सारी ऑप्शन कि किस तरह क्लैरिटी के साथ हमने इनको करना है, ये इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ में चीजें साथ साथ बताता रहूंगा आपको, ठीक है ना। ये एक ऑप्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हमने डिस्कस किया, और अब हम आ जाते हैं दोबारा दूसरे पिक्चर के ऊपर विच वॉज एक्चुअली दी साइड लाइन जो इसके बिल्कुल पैरेलल में रखी हुई थी तस्वीर हमने, जिसको हमने बाद में एक मॉडल को हमने बिल्कुल उसकी शर्ट या जो भी चीज उसको हमने क्लॉथ करना है हम उसको लेके आते हैं। या लेट्स सी, मेरे पास वो विंडो से जाके दूसरी फाइल इज ओपन, आई थिंक समवेयर इसमें पड़ा हुआ था, यस दैट इज हियर, ओह डिलीट हो गया मुझसे, चले एनीवे मैं दोबारा उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसी डॉक्यूमेंट में दोबारा ले आता हूँ सो दैट कि हम यहाँ से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। ये आ गया जी, ठीक है जी, मैंने अंडू किया। अब आपके लिए बड़ी ईजी असाइनमेंट है कि आप इस तरह का कोई भी डिजाइन आइदर स्कैन करके, आइदर मोबाइल से पिक्चर लेकर, हाई रेजोल्यूशन अच्छी क्वालिटी की पिक्चर लेकर, एंड द क्रिस्टल क्लियर मॉडल शुड बी लाइक के उसमें ये चीजें ना आ रही हो, लाइक जिस तरह हेयर्स या फ्रंट पे, या लेट्स सपोज ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, या लेट्स सपोज उसने ऑर्नमेंट्स इन दी, या कोई ऐसी चीज, या पर्स, या कोई ऐसी चीज अगर आपको नजर आ रही है, दैट शुड नॉट बी द फ्लैट मॉडल। मीन्स दैट आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड के we have to draw this image, ठीक है ना। अब आप इस शर्ट को, इस इमेज को दोबारा से यहाँ से पिक करें और ये ड्रॉ करना शुरू करें, ठीक है। और ड्रॉ करते करते आप एक सर्टन लेवल पे आएंगे, उसके बाद जब आपके पास शेप बन जाएगी, उस शेप में आप जो मर्जी, आपकी जिस तरह का मर्जी आप डिजाइन प्लेस करना चाहते हैं अब आप प्लेस कर सकते हैं, दैट बिकम्स योर टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है जो बार बार डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, बार बार फैशन डिजाइनर्स इस तरह की
10 15 20 चीजें इनके पास होती हैं, वो बार बार इसी चीज के इर्द गिर्द प्ले करते रहते हैं. सो दैट इज समथिंग विच सो फार विच आई हैव सीन कि उनके पास इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ मॉडल की कपड़े की इलस्ट्रेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के वट एग्जैक्टली इज द डिजाइन ऑन दिस पिक्चर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना? सो वो डिजाइन की तरफ हम ज्यादा फोकस करेंगे, नॉट एग्जैक्टली द क्लॉथ. क्लॉथ इटसेल्फ का ऑलमोस्ट शर्ट का साइज, स्लीव का साइज, ये सारी की सारी चीजें विद प्लस माइनस 10-20%, ये सारी की सारी चीजें चेंज होती रहती हैं. लाइक समटाइम्स अ शर्ट गेट्स स्मॉलर साइज विच इज इन लोकल हमारी मार्केट में, जैसे कुर्ती या इस तरह कुछ समथिंग वर्ड्स का नाम देते हैं. एंड समटाइम्स द ओल्डेस्ट डिजाइन इज के जरा थोड़ी सी लॉन्गर किस्म की शर्ट्स भी हो जाती हैं. समटाइम्स नीचे से वो वाइड ओपन एरिया भी हो जाते हैं. दीज आर प्लस माइनस 10% के साथ, बाकी दैट रिमेन्स द सेम बिकॉज द ह्यूमन हाइट इज ऑलमोस्ट रिमेन द सेम. ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग विच मैटर्स इज द डिजाइन. सो कल से हम बेसिकली ये करेंगे कि अपने अपने बेसिक डिजाइन के ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे. That really matters a lot. So, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करता हूँ रिकॉर्डिंग को खत्म.